दोस्तों आज हम लोग टॉपिक है ईओटी क्रेन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवल। तो ईओटी क्रेन में हम लोग इसका सारा पैनल का कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे और इसके साथ क्या क्या इसका इंटरलॉकिंग रहता है, सेफ्टी स्विच क्या क्या रहता है, वो भी आज हम लोग देखेंगे। ज़्यादातर इंटरव्यू में ईओटी क्रेन पूछा जाता है, तो ईओटी क्रेन नहीं बोल पाएंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, ये आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, ईओटी क्रेन क्या है, इसमें क्या क्या पार्ट है पहले वो जानेंगे। मान लीजिए ये आपका एक प्लांट का ईओटी क्रेन है, ये रेल है, ये रेल के ऊपर आपका ईओटी क्रेन है, ऐसे क्रेन है। यहाँ पे चार व्हील रहता है, ये इधर फॉरवर्ड रिवर्स होके थोड़ा ट्रैवल करता है रेल के ऊपर। तो इसको क्या बोलता है, बोलते हैं कि एलटी, लॉन्ग ट्रैवल, इसको बोलते हैं एलटी। और इसके ऊपर ये जो रेल के ऊपर एक कार के जैसा आना जाना करता है, इसको बोलता है सीटी, क्रॉस ट्रैवल, ये सीटी। और जो होस्ट के वायर रोप के थ्रू हम लोग सामान अप डाउन करते हैं, उठाते हैं, नीचे करते हैं, उसको उसको बोलते हैं होस्ट। दो है, एक है मेन होस्ट और एक है ऑक्सिलरी होस्ट। ये ज्यादा वजन वाला सामान उठाएगा और ये उससे कम थोड़ा वजन वाला सामान उठाएगा। ये है आपका ईओटी क्रेन का पार्ट है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भी एक मोटर रहेगा, यहाँ पे एक मोटर रहेगा, यहाँ पे एक मोटर और यहाँ पे एक मोटर, और मेन होस्ट के लिए एक मोटर, ऑक्सिलरी होस्ट के लिए एक मोटर। ये है आपका ईओटी क्रेन का लेआउट। ये ईओटी क्रेन के लिए क्या होता है, सारा एलटी, सीटी, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, ये सब के लिए ले, ये क्या है, एक एक पैनल रहता है, जो पैनल के थ्रू ये मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स होता है, और उसके साथ साथ सेफ्टी भी होता है और स्पीड इंक्रीज स्पीड डिक्रीज भी होता है। फर्स्ट हम लोग जो ईओटी क्रेन का ड्राइंग समझेंगे वो हम लोग देखेंगे जो ईओटी क्रेन में मास्टर कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट होता है, नॉर्मल फॉरवर्ड रिवर्स रहता है और मास्टर कंट्रोल के थ्रू इसका स्पीड इंक्रीज स्पीड डिक्रीज होता है। वो भी कैसे होता है, वो जो स्लिपरी मोटर के साथ जो रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन होता है वो भी हम लोग देखेंगे, कैसे स्पीड अप स्पीड डाउन होता है, कंट्रोल सर्किट को देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका क्या क्या देखेंगे, इसका सप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रेन तक कैसे सप्लाई जाता है। चलिए शुरू करते हैं, सप्लाई कैसे जाएगा। मान लीजिए आपका पैनल रूम एक पीडीबी है, यहां से केबल जाएगा आर वाई बी, एक फील्ड में एस एफ यू लगा रहेगा, एक एस एफ यू स्विच फ्यूज यूनिट। इसके बाद जो आपका डीएसएल लाइन रहता है ना, डीएसएल लाइन आर वाई बी, यह से केबल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं आर वाई बी, इसको बोलता है डी एस एल। डी एस एल का मतलब होता है डायरेक्ट सप्लाई लाइन, ये डी एस एल लाइन। डी एस एल लाइन से सप्लाई कैसे जाता है, फर्स्ट हम लोगों का पूरा फील्ड में जितना भी मोटर है, सॉरी क्रेन में जितना मोटर है, सबके लिए बड़ा पावर कॉन्टेक्ट लगा रहता है, वो रहता है आपका प्रोटेक्टिव पैनल में, प्रोटेक्टिव पैनल। ये पैनल कहाँ रहता है, ये आपका जो केबिन पे, जो ऑपरेटर जो कंट्रोल करता है ईओटी क्रेन चलाता है, उसका केबिन पे ये प्रोटेक्टिव पैनल रहता है। ये पैनल के अंदर बड़ा कॉन्टेक्टर रहेगा, फर्स्ट वो उसको ऑन करेगा, उसके बाद सारा पैनल में थ्री फेज सप्लाई जाएगा और उसके साथ साथ कंट्रोल सप्लाई भी जाएगा। तो पहले हम लोग प्रोटेक्टिव पैनल को ऑन कैसे करना है, प्रोटेक्टिव पैनल का ड्रॉइंग आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। प्रोटेक्टिव पैनल यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आर वाई बी, ये तीनों उठाए गए, प्रोटेक्टिव पैनल के अंदर ले ली, एक आपका एमसीसी नहीं है, एसएसपी लगा रहेगा, ये सभी से जाएगा ये कॉन्टेक्टर में। ये मेन के पावर कॉन्टेक्टर, और यहां से क्या होगा, यहां से सारा मान ली मेन होस्ट,
डिवोर्स्ड एलटी और मेन होस्ट में जाएगा। तो ये ऐसा टर्निंग होके जाता है, पहले ये के कॉन्टेक्टर को पिकअप कराना है, तो ये ऑन होगा। तो इसके लिए जैसा डॉग स्टार्टर होता है वो डॉग स्टार्टर के थ्रू इसका रहेगा, तो ये कॉन्टेक्टर को पिकअप कराना है। उसके बाद सारा पैनल में सप्लाई जाएगा। और क्या रहता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है, इसको क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहेगा इसका आउटपुट है 110 वोल्ट एसी, और ये 415 वोल्ट एसी से दिया जाता है। टू फेज ट्रांसफार्मर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा, सारा कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का यूज होगा। और ये है के कॉन्टेक्टर, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव पैनल में प्रोटेक्टिव पावर कॉन्टेक्टर। यह सारा जाएगा, सारा पैनल में जाएगा।